तो दोस्तों आज हम राजस्थान वन रक्षक के लिए 50 इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न और परीक्षा में आने लायक प्रश्न, इसलिए वीडियो में तक बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि बूंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सूर्यमल मिश्र ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो आपको याद रखना है यह गई थी वंश भास्कर की रचना। तो किसने की थी? सूर्यमल मिश्र ने। और ये कहाँ के साहित्यकार थे? तो आपको याद रखना है बूंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे कौन? सूर्यमल मिश्र। अगला सवाल है कि चारण कवियों द्वारा प्रस्तुत राजस्थानी भाषा का साहित्य रूप है? तो आपको याद रखना है वह रूप है डिंगल। अगला सवाल है कि सुप्रसिद्ध बणी ठणी किस शैली से संबंधित है? तो आपको याद रखना है यह संबंधित है किशनगढ़ शैली से। ठीक है, क्या बणी ठणी। अगला सवाल है कि राजस्थान के किस जिले में आकल लकड़ी जीवाश्म पार्क स्थित है? तो आपको याद रखना है यह स्थित है जैसलमेर में। ठीक है, तो कौन सा पार्क स्थित है? आकल लकड़ी जीवाश्म पार्क कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में। अगला सवाल है कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो आपको याद रखना है यह हुआ था 1574 ईस्वी में। ठीक है, कौन सा युद्ध? हल्दी घाटी का युद्ध। यह हुआ था 18 जून 1574 में। अगला सवाल है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस अभयारण्य में सफारी पार्क विकसित किया गया? तो आपको याद रखना है यह विकसित किया गया रणथंभौर में। ठीक है, कौन सा पार्क? सफारी पार्क। अगला सवाल है कि करणी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है यह स्थित है देशनोक में, और देशनोक कहाँ पर है? बीकानेर में। अगला सवाल है कि राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया? तो आपको याद रखना है यह किया था कछवा रियासत ने। ठीक है, कछवा रियासत ने जयपुर रियासत पर शासन किया था, या कछवा वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था। अगला सवाल है कि विजय स्तंभ किस किले में स्थित हैं? तो आपको याद रखना है विजय स्तंभ स्थित है चित्तौड़ दुर्ग में। अगला सवाल है कि राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आपको याद रखना है यह होता है 5 वर्ष का। अगला सवाल है कि वर्तमान में राजस्थान में संभागों की संख्या कितनी है? तो आपको याद रखना है संभागों की संख्या 7 है, और जिलों की संख्या बात करें तो जिलों की संख्या है 33। अगला सवाल है कि क्रांतिकारी रचना चेतावनी राज चुगटिया के रचयिता थे? तो आपको याद रखना है रचयिता है केसरी सिंह बारठ। ठीक है, तो केसरी सिंह बारठ द्वारा रचित रचना कौन सी है? चेतावनी राज चुगटिया। अगला सवाल है कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है यह स्थित है बीकानेर में। ठीक है, कौन सा मुख्यालय? अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में। अगला सवाल है कि नाथद्वारा किस संप्रदाय का मंदिर है? तो आपको याद रखना है यह मंदिर है वैष्णव का। ठीक है, सॉरी वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है कौन सा? नाथद्वारा। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। अगला सवाल है राजस्थान में तांबे की खाने कहाँ पर हैं? तो आपको याद रखना है यह है खेतड़ी जिले में। ठीक है, खेतड़ी जिले में तांबे की खाने है। अगला सवाल है कि राजस्थान राज्य का राज्य वृक्ष है तो क्या है? खेजड़ी। ठीक है, खेजड़ी है जो राजस्थान राज्य का राज्य वृक्ष है। अगला सवाल है कि राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जाता है तो किसे जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को राजस्थान के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। अगला सवाल है कि राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी बारामासी बहती है? तो आपको याद रखना है वह नदी है चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी है जो राजस्थान की बारामासी नदी है। अगला सवाल है कि राजस्थान के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? तो आपको याद रखना है झीलों की नगरी कहा जाता है उदयपुर को। ठीक है, उदयपुर को क्या कहा जाता है? तो झीलों की नगरी। अगला सवाल है कि मेवाती बोली से संबंधित जिला है तो कौन सा जिला है जो मेवाती बोली से संबंधित है? तो आपको याद रखना है वह जिला है अलवर। ठीक है, अलवर है जो मेवाती बोली से संबंधित है। अगला सवाल है कि राजस्थान की प्रमुख नगदी फसल है तो आपको याद रखना है वह है कपास। ठीक है, कपास है जो राजस्थान की प्रमुख नगदी फसल है। अगला सवाल है कि राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय पक्षी उद्यान का नाम है तो आपको याद रखना है उसका नाम है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी उद्यान का नाम कौन सा है? तो केवला देव। अगला सवाल है कि मेवाड़ का बिजोलिया आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था?
मेवाड़ का बिजोली आंदोलन है जो किसके नेतृत्व में हुआ था, तो आपको याद रखना है कि यह हुआ था विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में। ठीक है, कौन सा आंदोलन? तो बिजोली आंदोलन। अगला सवाल है कि राजस्थान में पर्यटन विकास हेतु उत्तरदायी उपक्रम है, तो आपको याद रखना है वह है RTDC। ठीक है, RTDC है जो राजस्थान में पर्यटन विकास हेतु उत्तरदायी है। अगला सवाल है कि प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है, तो गुलाबों का संबंध है कालबेलिया नृत्य से। अगला सवाल है कि इनमें से खारे पानी की झील कौन सी है, तो आपको याद रखना है खारे पानी की झील है पचपदरा। अगला सवाल है कि राजस्थान की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला है, तो प्रथम महिला कौन सी है? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। ठीक है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल है जो राजस्थान की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला है। अगला सवाल है कि बासमती किस्म है, तो कौन सी है? चावल की। ठीक है, बासमती किस्म किसकी है? तो चावल की है। अगला सवाल है कि किसके समय में ह्वेनसांग राजस्थान आया था, तो आपको याद रखना है राजस्थान आया था ह्वेनसांग कब? हर्षवर्धन के काल में। ठीक है, हर्षवर्धन के काल में ह्वेनसांग राजस्थान में आया था। अगला सवाल है कि जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है जैसलमेर मनाया जाता है मरु महोत्सव। ठीक है, तो मरु महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो जैसलमेर में। अगला सवाल है कि भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में है, तो आपको याद रखना है यह है अलवर जिले में। ठीक है, अलवर जिले में भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित शहरों में से राजस्थान का उच्च न्यायालय किस शहर में है, तो आपको याद रखना है यह है जोधपुर में। ठीक है, अगला सवाल है कि भट्ट नहर का किला निम्नलिखित में से किस जिले में है, तो आपका उत्तर होगा हनुमानगढ़ में। ठीक है, हनुमानगढ़ में कौन सा किला है? तो भट्ट नहर का किला है कहाँ पर? हनुमानगढ़ में। अगला सवाल है कि राजस्थान भाषा की कृति पाथल और पीथल किसकी कृति है, तो आपको याद रखना है यह कृति है कन्हैयालाल सेठिया की। अगला सवाल है कि हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ अपनी राजधानी स्थापित की, तो आपको याद रखना है स्थापित की थी चावंड। ठीक है, चावंड राजधानी किसने स्थापित की थी, तो आपको याद रखना है महाराणा प्रताप ने। और कब स्थापना की थी? तो हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात। अगला सवाल है कि बलुई व दोमट मिट्टी पर ही की जाने वाली पीपरमेंट की खेती जिसे शिवाला खेती भी कहते हैं कि उत्पादित होने का एकमात्र स्थान कौन सा है, तो आपको याद रखना है इसका उत्पादन होता है खंडार में, और खंडार कहाँ पर है? स्वाई माधोपुर में। अगला सवाल है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस स्थान से हुआ है, तो आपको याद रखना है यह आरंभ हुआ है नसीराबाद से। ठीक है, और किस क्रांति का? 1857 की क्रांति का आरंभ कहाँ पर हुआ है? नसीराबाद से। अगला सवाल है कि निम्न में से किसे निमाड़ का कबीर कहते हैं, तो आपको याद रखना है कि निमाड़ का कबीर कहते हैं संत अफजल को। अगला सवाल है कि बादशाह का मेला भरता है, तो बादशाह का मेला भरता है कहाँ पर? ब्यावर में। ठीक है, ब्यावर में बादशाह का मेला भरता है। अगला सवाल है कि राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहाँ पर स्थित है? नागदा में। ठीक है, नागदा में कौन सा मंदिर है? सास बहू का मंदिर। अगला सवाल है कि पन्ना दाई ने अपने पुत्र का बलिदान देकर किस राजकुमार की जान बचाई थी, तो आपको याद रखना है यह बचाई थी उदय सिंह की। ठीक है, उदय सिंह की जान बचाई थी किसने? पन्ना दाई ने। और किसका बलिदान दिया था? अपने पुत्र का। अगला सवाल है कि राजस्थान की मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो कितनी हो सकती है? 30। ठीक है, अगला सवाल है कि वालर नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है, तो आपको याद रखना है यह नृत्य है प्रमुख कंजर का। ठीक है, कंजर जनजाति का प्रमुख नृत्य है कौन सा? वालर नृत्य। अगला सवाल है कि राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं, तो आपको याद रखना है महिलाओं के लिए है 50% स्थान आरक्षित। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षित है कितने परसेंट? 50%। अगला सवाल है कि राजस्थान में वस्त्र उद्योग का प्रसिद्ध नगर है, तो आपको याद रखना है प्रसिद्ध नगर है भीलवाड़ा। ठीक है, भीलवाड़ा है जो वस्त्र उद्योग का प्रसिद्ध नगर है।
अगला सवाल है कि मीराबाई के बचपन का नाम क्या था, तो आपको याद रखना है मीराबाई के बचपन का नाम था पैमल था जो मीराबाई के बचपन का नाम था। अगला सवाल है कि कंठी नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है, तो आपको याद रखना है यह पहना जाता है गले में। ठीक है, गले में कौन सा आभूषण पहना जाता है, तो आपको याद रखना है कंठी नामक आभूषण पहना जाता है। अगला सवाल है कि पृथ्वीराज व जयचंद के मध्य वैमनस्य का कारण था, तो क्या कारण था, संयोगिता। ठीक है, संयोगिता था जो पृथ्वीराज व जयचंद के मध्य वैमनस्य का कारण था। अगला सवाल है कि यत ब्राह्मणे तत् पिंडे नामक राजव्यवस्था जिसका ढांचा ब्रह्मांड की रचना के आधार पर बनाया गया है किस राजवंश में लागू किया गया था, तो यह लागू किया गया था मेवाड़ का गहलोत में। ठीक है, मेवाड़ का गहलोत में लागू किया गया था। अगला सवाल है कि राजस्थान के किस शहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित हैं, तो आपको याद रखना है यह स्थित है रावतबाटा में। ठीक है, तो रावतबाटा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित हैं। तो दोस्तों, आपको 50 प्रश्न दिए गए थे जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।